Hi guys, before starting with any optional, it's very important that you understand the syllabus well. हम सभी लोग जब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने सिलेबस पढ़ लिया, हमने सिलेबस समझ लिया, अब हमें सिलेबस याद है, नाउ वी नीड टू मूव ऑन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. बट इन दैट मिसकंसेप्शन वी ऑफन मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू द सिलेबस. सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हम मिस कर जाते हैं कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है क्या नहीं करना है. इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑप्शनल. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट ऑप्शनल ऑफ यूपीएससी, द एंटायर सिलेबस ऑफ द ऑप्शनल, कहाँ कहाँ पर ऑप्शनल डिफिकल्ट है, कहाँ कहाँ पर ऑप्शनल ईजी है, विच ऑल सब्जेक्ट्स आर ईजी टू कवर, कहाँ पर आपको ज्यादा फोकस करना है, विच एरियाज कैन यू फोकस लेस ऑन, कौन से सब्जेक्ट्स कौन से टॉपिक्स आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, कौन से टॉपिक्स आपको ब्रीफली या बेसिक्स ही पढ़ने हैं. All those things I will be discussing one by one. So let's start. सबसे पहले पेपर वन उठाते हैं मैनेजमेंट का. It starts with managerial functions, which is the same as, almost the same as principles of management. Total तीन टॉपिक्स आते हैं managerial functions के अंदर, organization theory, entrepreneurship and business ethics. Normally students क्या करते हैं, organization theory पढ़ लेते हैं because this is what they've been taught in their bachelors and their masters. They normally not taught entrepreneurship in their bachelors. पढ़ाते भी हैं तो बहुत basic level पे पढ़ाते हैं and business ethics तो बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है normally. So they tend to miss out on business ethics, but nowadays one question comes always from business ethics. तो managerial function के अंदर आपको ये तीनों ही चीजें cover करनी है, organization theory, entrepreneurship and business ethics. ठीक है, इसमें बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट भी बोलते हैं इसको. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बुक रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, यू कैन सर्च, गूगल कर सकते हैं आप बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, इसकी आपको किताबें बुक्स मिल जाएंगी ऑनलाइन इजीली. अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं तीनों ही सब्जेक्ट से, तीनों ही टॉपिक से, वेदर इट इज ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस एथिक्स. आपको बस एक काम करना है कि सिलेबस पूरा कवर करना है और पूरा याद रखना. कुछ भी कॉम्प्लेक्स इनडायरेक्ट नहीं आता है एग्जाम में व्हेन इट कम्स टू दीज थ्री टॉपिक्स. सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डन विद द सिलेबस ऑफ दीज थ्री टॉपिक्स. इफ यू डन विद द सिलेबस और आपको सिलेबस याद है बेसिक, यू विल फाइंड ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजी टू क्रैक, बहुत अच्छे से लिख पाएंगे. सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू द फर्स्ट वन, मैनेजरियल फंक्शंस. द क्वेश्चंस आर वेरी डायरेक्ट. आपको मैं क्वेश्चन आंसर राइटिंग टेक्निक पे भी धीरे धीरे काम करेंगे. द क्वेश्चंस आर वेरी डायरेक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. द स्टैंडर्ड टेक्स्ट दैट यू माइट हैव रेड इन योर बैचलर्स और मास्टर्स और एमबीए, दे विल सफाइस. आपको बस एक काम करना है, आपको सिलेबस पूरा करना है. इफ यू आर डन विद द एंटायर सिलेबस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम राइटिंग अ गुड आंसर इन ओके. द थर्ड इज एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अगेन द सेम, ऑल दीज थ्री सब्जेक्ट्स, मैनेजेरियल फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड एच आर एम, दीज थ्री सब्जेक्ट्स, द क्वेश्चंस आर वेरी डायरेक्ट. आपको सिलेबस पूरा करना है. एच आर एम में वन न्यू थिंग हैज बीन ऑब्जर्व्ड लेटली एंड दैट इज देयर इज मोर फोकस ऑन करेंट डेवलपमेंट्स इन एच आर एम बाय यूपीएससी नाउडेज. तो इंटरनेशनल एच आर एम, एच आर एम के एथिक्स हो गए, यूजेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एच आर एम, वहां से क्वेश्चन थोड़े थोड़े ज्यादा आ रहे हैं. सो यू कैन कवर दोज इन अ लिटिल मोर डिटेल. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन पेपर वन. इसमें थ्योरी अच्छे लेवल की आनी चाहिए. यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. द न्यूमेरिकल्स आर ऑफन वेरी बेसिक, डेप्थ में नहीं आते हैं. ऐसा नहीं है सीए आईपीसीसी लेवल का आ रहा है, बीकॉम थर्ड ईयर लेवल का आ रहा है, वो सब नहीं आता है. वेरी बेसिक क्वेश्चंस, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, लिमिटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, वेरी इजी टू सॉल्व. आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बस दैट इज द प्री रिक्वायरमेंट. ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर देयर इज अनदर टॉपिक कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए बेयर एक्ट इज द बेस्ट टू कवर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. काफी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्वेश्चंस भी रेगुलरली नहीं आते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थोड़े स्पेशली द न्यू वंस आप अच्छे से देख लीजिए. Then you have fund flow and cash flow statement. 12th class books are good enough for fund flow and cash flow statement.
वहां से आप कर सकते हैं. अगेन फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स बिकॉज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड व्हाटएवर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आर आस्क्ड आर वेरी ब्रीफ इन नेचर. देन कम्स कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इसमें भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो, एंड द फोकस इज मोर ऑन थ्योरी. आपसे पूछ लेंगे द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल अकाउंटिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. ओके, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं. ओके, दे डोंट फोकस अ लॉट ऑन न्यूमेरिकल्स, थ्योरी पे अच्छा फोकस होता है. देन यू हैव फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इन दिस आई एम पांडे एंड आर पी रुस्तगी बोथ आर गुड बुक्स. प्रसन्न चंद्रा इज अनदर गुड बुक. यू कैन रेफर टू ऑल ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम. ओके, बोथ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स आर इम्पॉर्टेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काफी डेप्थ में घुसते हैं. देयर कैन बी क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट थ्योरीज और लेट्स से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन मेकिंग, कैपिटल बजटिंग, जितनी भी थ्योरीज हैं, एमएम हाइपोथेसिस, एनओआई अप्रोच, एनआई अप्रोच, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दोज थ्योरीज, गॉर्डन मॉडल, ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं, सो थरली उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए. यू विल बी एबल टू सॉल्व मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वेरी इजिली. द एडवांटेज इज कि अभी तक जो भी हमने कवर किया है, फिर से रिकैप करेंगे अगर, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, मैनेजरियल फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एचआरएम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो भी हमने अभी तक सर्च किया है उसमें कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं है. ओके, सब कुछ प्रिडिक्टेबल ही आता है, कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं आता है. देन कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ पेपर वन विच इज मार्केटिंग. अब मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन मैनेजमेंट ऑप्शनल, ऑफन नॉट टेकन वेरी सीरियसली बाई स्टूडेंट्स, बट यहाँ से 2-3-4 क्वेश्चन तक एग्जाम में आते हैं. सो प्लीज कवर मार्केटिंग प्रॉपरली. कॉटलर इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हेयर. वेरी गुड लेवल क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम मार्केटिंग. काफी डेप्थ में भी पूछा जाता है. सो आई वुड रिकमेंड कि आप एक बुक से तो पढ़े ही पढ़े. यू कैन रेफर टू सम ऑनलाइन सोर्सेज ऑल्सो फॉर मार्केटिंग. ठीक है ना, काफी ऑनलाइन बुक्स भी अवेलेबल हैं. आई वॉज रिसेंटली गोइंग थ्रू मार्केटिंग, तो नारसी मुंजी की एक बुक मुझे मिली थी MBA की ऑन मार्केटिंग पर, दैट वॉज ऑल्सो वेरी नाइस. तो ऐसे आपको ऑनलाइन कुछ बुक्स मिल जाएंगी, दोज कैन बी वेरी हेल्पफुल. नाउ कमिंग टू पेपर टू. पेपर टू इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन मैनेजमेंट ऑप्शनल. कॉमर्स ऑप्शनल में पेपर वन थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इट इज मोर न्यूमेरिकल इन नेचर. इन मैनेजमेंट पेपर टू इज मोर न्यूमेरिकल इन नेचर एंड अ लिटिल मोर डिफिकल्ट. ओके, तो अगर पेपर टू की बात करें, देर आर टू सब्जेक्ट्स विच आर वेरी डिफिकल्ट, जिनमें ज्यादा टाइम आपको लगाना पड़ेगा. सो इन एडवांस यू हैव टू बी थॉरो विद द सिलेबस ऑफ दीज टू सब्जेक्ट्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन डिसीजन मेकिंग एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट. इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में से न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ना कि खाली ग्रेजुएशन लेवल के, मास्टर्स लेवल के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. एंड इफ यू आर नॉट वेरी थॉरो विद द न्यूमेरिकल्स, आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दीज टू सब्जेक्ट्स मेक अ वेरी बिग चंक ऑफ द एंटायर पेपर टू. काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं एक एक क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया. थ्योरी भी अच्छे लेवल की आती है, साथ में न्यूमेरिकल भी अच्छे लेवल का आता है. तो दोनों ही आपको डेप्थ में कवर करने हैं. यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट इन बोथ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एज वेल एज ऑपरेशंस मैनेजमेंट. यू कैन नॉट स्किप दैट एज वेल. तो ये आपको भाई प्रिपेयर करके चलना है मेंटली, दैट इफ यू आर गोइंग फॉर मैनेजमेंट ऑप्शनल, ये दो सब्जेक्ट्स आपको बहुत डेप्थ में पढ़ने पड़ेंगे. ठीक है ना. टॉकिंग अ लिटिल बिट अबाउट लेट्स से क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का अगर हम सिलेबस देखें, काई स्क्वायर, एनोवा, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज, फोरकास्टिंग, इंडेक्स नंबर्स, ये काफी डेप्थ में जाते हैं टॉपिक्स. ठीक है ना, इनके न्यूमेरिकल्स काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं और बहुत लंबे भी होते हैं. एक न्यूमेरिकल 30-30 घंटा तो एग्जाम में सॉल्व करने में लगाता है. व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने में 1 घंटा लगेगा. सो दैट इज द अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव टू गिव टू QT एज वेल एज ऑपरेशंस. ये दो को आपको समय देना पड़ेगा, यू कैन नॉट इग्नोर दिस. ओके, द गुड थिंग इज दैट अदर सब्जेक्ट्स आर कंप्लीटली थियोरेटिकल इन नेचर और वो सिंपल भी हैं, ज्यादा डेप्थ में भी नहीं है. सो व्हाट आर द अदर सब्जेक्ट्स इन पेपर टू? MIS मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस GBI विच इज वेरी प्रिडिक्टेबल, SCM, देन इंटरनेशनल बिजनेस IB. ओके, तो ये आपके 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं विच आर थियोरेटिकल, कंप्लीटली थियोरेटिकल इन नेचर. चारों ही बहुत ईजी से सब्जेक्ट्स हैं. ईजी का मतलब ये नहीं कि बहुत छोटे हैं, ईजी का मतलब कि आप पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू विल बी एबल टू रिटेन.
You might face some problems in MIS because Management Information System is just like जो हम 11, 12 में computers पढ़ते थे, which was completely theoretical and very boring. MIS is similar to that. But the good thing is कि एक बार पढ़ लोगे और समझ लोगे, then you will not be able to, you will not have any problems with it. आप भूलोगे भी नहीं. Strategic cost management थोड़ा लंबा है, but the good thing is that it's easy to understand. समझना, याद रखना आसान है. Questions are also direct. गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस अगेन वेरी इजी, थोड़ा सा लंबा है. CPA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह से क्वेश्चंस आए हैं रेगुलरली, तो काफी डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ता है. बट द गुड थिंग इज दैट इट इज ओनली थ्योरी. एक बार आपने पढ़ लिया, आपका सिलेबस पूरा हो गया, यू डन. एंड द लास्ट इज इंटरनेशनल बिजनेस. अगेन थोड़ा सा लंबा है, बट द गुड थिंग इज कि थ्योरी है, तो पढ़ने में और याद रखने में प्रॉब्लम नहीं हो. एक बार पढ़ लिया, नोट्स बन गए आपके, देन रिवाइजिंग विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, so this is all about management optional. If you have any doubts, if you have any feedback, if you want to talk to me about management optional of UPSC, put your whatever you're feeling in the comment section below. I will get back to you through the comment section itself. If you like the video and if you're preparing for management optional, you can subscribe to my channel here so that you keep getting regular updates about further videos that I'll be creating on various UPSC options. All the best guys, bye bye.